आज हम देखेंगे हमारे पास जो ये लकी वीवीसी का रिमोट हमको गफार मार्ट से मिला है, इसको हम कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं। हमारे पास ये सैमसंग एलईडी टीवी का रिमोट है जिससे हम इसको प्रोग्राम करेंगे। सबसे पहले तो ये लकी वीवीसी रिमोट के ऊपर कुछ लर्निंग कीज गिवन है जिनको हम प्रोग्राम कर सकते हैं। इनको हम लर्निंग की इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो कीज होती हैं ये अपने अंदर वैल्यू स्टोर कर लेते हैं टीवी रिमोट की, और इनको टीवी रिमोट की जगह यूज़ करा जा सकता है। आपको ये जीरो और ओके का बटन साथ में प्रेस करना है जब तक ये जो ग्रीन लाइट है ये जल ना जाए। इसको अराउंड 3 सेकंड लगते हैं, ये लाइट जल गई, इसका मतलब जो रिमोट है प्रोग्रामिंग मोड में एंटर हो चुका है। इसके बाद आपको वो वाला बटन प्रेस करना है जिस भी बटन को आपको प्रोग्राम करना है। मान लीजिए हमें इस वाले बटन से पावर से प्रोग्राम करना है तो सिंगल बार प्रेस करेंगे, उसके सामने रख के पावर वाले बटन को दबा देना है। और जैसे मान लीजिए हम इसमें वॉल्यूम कीज़ को भी प्रोग्राम कर सकते हैं और एवी कीज़ को भी प्रोग्राम कर सकते हैं। तो पहले एवी की को प्रोग्राम करते हैं, एवी बटन को सिंगल बार दबाया और जिस भी बटन से आपको प्रोग्राम करना है इसके सामने रख के उस वाले बटन को प्रेस कर देना है। इस तरह वॉल्यूम की इसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं। वॉल्यूम माइनस को पहले प्रोग्राम करते हैं, वॉल्यूम माइनस को सिंगल बार दबाया और यहाँ पे वॉल्यूम माइनस। इस तरह वॉल्यूम प्लस को हम प्रोग्राम करेंगे, वॉल्यूम प्लस सिंगल बार दबाया और यहाँ से वॉल्यूम प्लस। जब सारे लर्निंग कीज़ को आप प्रोग्राम कर चुका, आपको ये ओके वाला बटन दोबारा दबाना है ताकि जो भी आपने कीज़ में वैल्यू डाली है वो इसी के अंदर स्टोर रहे। आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जो रिमोट है इन दोनों का डिस्टेंस कम से कम होना चाहिए ताकि जो लकी वीवीसी का रिमोट है और ये टीवी का रिमोट है आसानी से एक दूसरे के साथ कॉन्फिगर हो सके।